आदाब, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है आगरा का जूता। तो सुनिए, ये कहानी है हमारे रब्बन चचा की। हमारे रब्बन चचा बरेली के मोहल्ला छिपियान में रहते हैं। मोहल्ले के ज़्यादातर जिम्मेदार लोग जहन्नुम में पहुँच गए हैं और मोहल्ले में जो कुछ जिम्मेदार लोग बचे हैं उनमें से एक हमारे रब्बन चचा हैं। बरेली में उनको हर शख्स चचा कहकर ही बुलाता है। चचा उनकी उर्फियत बन गई है, मतलब कि वो अब सारे जगत के चचा बन गए हैं। उम्र की 68वीं पारी खेल रहे हैं, वो भी बिना किसी LBW के, यानी वो कभी बीमार नहीं हुए थे। उसकी वजह यही थी कि वो रोज़ सुबह वर्जिश करते, संयम से खाते, संयम से सोते। यही वजह थी कि वो ज़िंदगी के पिच पर नोट आउट खड़े थे बिना किसी LBW के। लेकिन हमारे रब्बन चचा ये नहीं जानते थे कि वो कितनी भी वर्जिश कर लें, कितना भी सात्विक भोजन खा लें, पर बढ़ती उम्र को तो हमारे फिल्मी सितारे भी नहीं रोक पाए। उनके चेहरे पर अब बुढ़ापा आ गया है, सर के बाल पिछली UP सरकार की तरह गायब हो गए हैं, कुछ बाल जो बचे हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। गंजा सर अब 5 वक्त की नमाज की वजह से ढका रहता है। अल्लाह का रहम है कि अभी दांत सलामत हैं। 8 साल पहले BSC ऑफिस से, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी महकमे से, क्लर्की की पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के बाद हमारे रब्बन चचा की दिनचर्या कुछ यूं थी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, वर्जिश करना और पड़ोस के खलील मियाँ के साथ शतरंज खेलना और दिलीप कुमार की फिल्मों के गीत सुनना। हमारे रब्बन चचा को सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार ही पसंद थे। कभी कभी चचा मधुमती फिल्म का वो गाना भी गुनगुनाया करते थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। हमारे रब्बन चचा सुरों के बड़े पक्के थे। खलील मियाँ जो कि उनके पड़ोस में ही रहते थे और उनके जिगरी दोस्त थे। खलील मियाँ पेशे से हकीम थे। अब उनकी हिकमत कुछ ख़ास नहीं चल रही थी क्योंकि अब उनका कड़वा जोशांदा कोई नहीं पूछता था। उसकी एक वजह ये थी कि मार्केट में अब विक्स 500 आ चुकी थी जो तुरंत फ़ायदा पहुँचा रही थी। इसलिए खलील मियाँ का अब सारा वक्त शतरंज खेलने या फिर रब्बन चचा से गप लड़ाने में गुजर जाया करता था। हमारे रब्बन चचा की ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। बीवी 20 साल पहले फौत हो चुकी थी। 3 बच्चे थे, 2 लड़के, 1 बड़ी लड़की उमरा, जिसकी शादी कई साल पहले लखनऊ में कर दी गई। वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार रही है। बड़े लड़के अफजाल ने फाइनेंस में अपना MBA किया, फिर उसकी नौकरी भी बरेली के बड़े प्राइवेट बैंक में लग गई। नौकरी के बाद शादी कर दी गई और शादी के बाद अफजाल का तबादला भी मुंबई में हो गया। अब घर में सिर्फ छोटा लड़का खुर्रम है जो कि कपड़े का बिजनेस करता है। उसकी भी शादी 5 साल पहले हो चुकी, लेकिन खुर्रम के 5 सालों में कोई औलाद नहीं हुई। अफजाल, जिसको मुंबई में रहते हुए 10 साल हो चुके थे, उसके पास 10 सालों में 2 लड़के हो चुके थे, 1 6 साल का था और 1 8 साल का। कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि हमारे रब्बन चचा सारे फर्जों से अदा हो चुके थे। एक दिन खलील मियाँ को आगरे का कुछ काम निकल आया तो उन्होंने हमारे रब्बन चचा से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, काम निपटाने के बाद आगरा घूम भी लेंगे। रब्बन चचा ने मना कर दिया, नहीं भाई आप ही चले जाओ। खलील मियाँ के बहुत ज़िद करने पर आखिरकार रब्बन चचा मान गए। दोनों दोस्त आगरा पहुंच गए, ताजमहल देखा गया, आगरा का किला घूमा गया। अब बारी आई आगरा के बाज़ार घूमने की। खलील मियाँ ने अपने लिए हुक्का ख़रीदा और रब्बन चचा से भी कहा कि आप भी कुछ ख़रीद लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं ख़रीदना है। लेकिन बाज़ार में घूमते हुए ही उनकी नज़र एक बहुत तेज़ चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। दूर से वो चीज़ कोहिनूर के हीरे की तरह चमक रही थी। हमारे रब्बन चचा उस कोहिनूर के पास पहुँचे तो पता चला कि वो तो हाथ से बने हुए चमड़े के जूते हैं। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि इतनी चमक ताजमहल के संगमरमर में भी ना होगी जितनी चमक उन जूतों में थी। रब्बन चचा ने खलील मियाँ से कहा, जनाब ये जूते ख़रीदने हैं। खलील मियाँ ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, और तंजिया हंसी हंसते हुए बोले, अरे मियाँ तुम्हारे पैर तो गबर में लटक रहे हैं, इतने कीमती जूते लेकर तुम क्या करोगे। लेकिन भाई हमारे रब्बन चचा ने तो ठान लिया था कि जूते लेने हैं तो लेने हैं। आखिरकार जूते ले लिए गए और दोनों दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब रब्बन चचा को एक काम और मिल गया था, वो ये था कि रोज़ फजर की नमाज के बाद उन जूतों को पॉलिश करते, चमकाते और वापस उसे काले रंग के बड़े संदूक में रख देते।
और उसमें ताला लगा देते। संदूक उनकी मरहूम वालदा का था। कई रोज ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन छोटे साहबजादे खुर्रम की बेगम ने खुर्रम से कहा, हाय अल्लाह, तुम्हारे अब्बू का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अपने कमरे को सारा पुराना सामान रख रख कर कबाड़ खाना बना रखा है। खुर्रम साहब ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अजी क्या हुआ, अब तो हद ही हो गई। भला कोई जूते संदूक में रखता है, वो भी ताला लगा कर? खुर्रम बोला, तुम अपने काम से काम रखो, वो कुछ भी करें। अब भला भाई, इतनी हिम्मत तो किसी की ना थी कि हमारे रब्बन चचा को कोई कुछ कह सके। एक दिन खलील मियाँ शतरंज खेलते वक्त कहने लगे, भाई वो नसीम की लड़की की शादी है, आप शादी में आगरा के जूते पहन लेना। रब्बन चचा ने कहा कि मेरे पास पुराने जूते हैं। खलील मियाँ वो गुस्सा आ गया और कहने लगे, उन जूतों को क्या कब्र में साथ लेकर जाओगे? रब्बन चचा ने कुछ ना कहा और खेल छोड़कर चले गए। एक दिन मुंबई से अफजाल का फ़ोन आया और कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? चचा ने जवाब दिया, हम तो बिल्कुल ठीक हैं बेटा। अब्बू, आपका पोता ज़हीर 9 बरस का हो रहा है और उसके ज़िद करने पर मैं उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाना चाह रहा हूँ। बेटा मनाओ, किसने रोका है तुम्हें? अब्बू, अगर आप मुंबई आ जाते तो जश्न का मज़ा दुगना हो जाएगा। चचा ने मना कर दिया, बेटा इतनी दूर का सफ़र नहीं कर सकते। अब्बू, मैं आपका टिकट हवाई जहाज़ से ही करा देता हूँ। बेटा तुम्हें तो पता है हमें जहाज से डर लगता है, हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा अब्बू, आपका पोता ज़हीर आपसे कुछ कहना चाहता है। दादू, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप हमें देखने नहीं आएंगे? प्लीज़ दादू आ जाइए, वरना मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। पोते की बातें सुनकर हमारे रब्बन चचा की आंखें भर आईं और रुंधी हुई आवाज़ में बोले, बेटा हम तुम्हारी सालगिरह मनाने ज़रूर आएंगे। रब्बन चचा ने खलील मियाँ से कहा कि आप भी चलिए बम्बई हमारे साथ। खलील मियाँ कहने लगे, अरे आपको तो पता ही है कि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है और कमबख्त डॉक्टर ने कहीं आने जाने को मना किया है, आप ही घूम कर आओ बम्बई और सुनो, दिलीप कुमार से ज़रूर मिलकर आना। रब्बन चचा की मुंबई जाने की तैयारियां शुरू हुई। वही काले रंग का संदूक खोला गया, उसमें से पुरानी अटैची निकाली गई जो पुरानी बिल्कुल नहीं लगती थी। उस अटैची में कपड़े रखे, अफजाल के लिए गुड़ भी रखा गया क्योंकि उसे गुड़ बेहद पसंद था, और वो जूते जो कई सालों से उस संदूक से बाहर निकलने की फिराक में थे, आज वो जूते खुली हवा में सांस ले रहे थे। पता नहीं हमारे चचा को क्या सूझी कि ये इरादा किया कि हम ये जूते बम्बई पहनकर जाएंगे। आज वो जूते पहली बार रब्बन चचा के पैरों में थे। बरेली से मुंबई की ट्रेन पकड़ी गई और मुंबई की ओर रवाना हो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे ट्रेन दादर स्टेशन पर पहुँच गई। स्टेशन पर पहले से ही साहबजादे अफजाल मौजूद थे। ट्रेन रुकी और हमारे रब्बन चचा ट्रेन से उतरे। ट्रेन से उतरते ही प्लेटफॉर्म के सारे मोचियों की नज़र हमारे रब्बन चचा के जूतों पर ही थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि जूतों में इतनी चमक कैसे? अब भला मुंबई के मोची ये क्या जाने कि ये चमक तो रोज़ फजर की नमाज के बाद की मेहनत है। अफजाल साहब ने अब्बू को सलाम किया और सारा सामान उनके हाथ से ले लिया। अफजाल ने कहा, अब्बू हमें कुर्ला के लिए ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म से पकड़नी होगी। दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ी। लोकल ट्रेन की भीड़ को देखकर हमारे रब्बन चचा सोचने लगे कि इतनी भीड़ तो हमारे यहाँ जुमे की नमाज के बाद होती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी वैसे वैसे और भीड़ हो गई। कुर्ला स्टेशन आया तो अफजाल साहब तो उतर गए, लेकिन हमारे रब्बन चचा तो भीड़ में ही फंसे रह गए और ट्रेन चल दी। बहुत जद्दोजहद करके भीड़ को चीर कर अफजाल ने चचा का चलती ट्रेन में से हाथ खींचा। चलती ट्रेन के उतरने के चक्कर में एक पाँव का जूता ट्रेन में ही रह गया। अब हमारे रब्बन चचा एक पाँव का ही जूता पहने हुए कुर्ला स्टेशन पर खड़े थे। बस ये समझ लीजिए कि कयामत आ गई थी। इतना मुंबई 26/11 को भी नहीं दहला होगा जितना जूता खो जाने पर दहला। समुद्र का पानी सूख गया था, गेटवे ऑफ इंडिया उल्टा हो गया था और ताज होटल का तो बस आप हाल ही मत पूछिए। इतनी डांट फटकार अपनी ज़िंदगी में अफजाल साहब ने कभी नहीं खाई होगी जितनी उस दिन खाई। चचा बोले, कमबख्त, वो जूता हम आगरा से लाए थे, वो किसी कारीगर ने अपने हाथों से बड़े दिल से बनाया था, वो कोई तुम्हारा रेबॉक, लिबर्टी, बाटा, नाइकी नहीं था। अब भला अफजाल साहब क्या कहते? सारी बातें सर नीचे करके सुनते रहे, लेकिन शायद हमारे रब्बन चचा को ये मालूम नहीं था कि मुंबई की सड़कों का डामर इतना मजबूत है, जूता चाहे चमड़े का हो या फिर लोहे का, घिसता ज़रूर है,
और जो जूता नहीं घिसता वो जूता खो जाता है इस मुंबई शहर में। शुक्रिया।